स्टूडेंट, मैं सौरभ पुली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आज आपसे चर्चा करूँगा मैथ्स टिप्स के बारे में। कैसे मैथ्स को हम याद रख सकते हैं, कैसे मैथ्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह मैथ्स हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। कुछ जनरल टिप्स के बारे में आपसे मैं बात करूँगा, जो कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स टिप्स। अब बच्चों, जानते हैं मैथ्स में इंटेलिजेंस कैसे बने, मैथ में तेज कैसे बने। आजकल अधिकतर ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स का नाम सुनते ही पढ़ाई से मन हट जाता है, और ना जाने क्यों बच्चे इस चीज़ से भागते हैं। इसलिए अधिकतर पेरेंट्स ना जाने मैथ के लिए कितने सारे ट्यूशन लगाते हैं, ताकि उनके बच्चे इस सब्जेक्ट्स में अच्छा कर पाएँ। किंतु मैथ्स कोई रटने की चीज़ नहीं होती, यह प्रैक्टिस की चीज़ होती है, जिससे आप प्रैक्टिस करके ही बेहतर बन पाएंगे। फिर भी आज मैं आपको मैथ्स में इंटेलिजेंट कैसे बने, इसके लिए कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले फॉर्मूला को नोट बनाएं, यानी कि सबसे पहले जो कि हर एक मैथ्स पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है, चाहे वह जूनियर क्लासेस का हो, सीनियर क्लासेस का, या कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला, उन्हें मैथ्स के सारे फॉर्मूले एक जगह अच्छे से नोट करने चाहिए, ताकि कोई भी चैप्टर पढ़े तो फॉर्मूले उनकी नोटबुक में एक ही जगह इकट्ठे हों, क्वेश्चंस बनाने में परेशानी ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि फॉर्मूला चैप्टर वाइज लिखें, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। ऐसा करने से आपको आपका दिमाग भी फार्मूला को रटने की जगह उसे अपनाने लगेगा, और आप और फार्मूला याद करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले फार्मूला को नोट जरूर कीजिए सीक्वेंस वाइज, यानी कि जो चैप्टर आपको पढ़ना है उससे आपको दिमाग में याद हो जाएगा, बैठ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। सेकेंड है बच्चों, एक टाइम टेबल बनाएं। इसके अलावा आपको समय समय पर रेगुलर पढ़ाई करने की ज़रूरत है, उसके लिए एक टाइम टेबल तैयार करें और उसे रोज़ाना फॉलो करें। अगर आप रेगुलर टाइम टेबल को फॉलो करते हैं और मैथ्स में आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं, तब आप मैथ्स में काफ़ी ध्यान दे पाएंगे और मैथ्स में प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए आप एक अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोज़ाना मैथ्स की प्रैक्टिस करें, कभी भी किसी भी दिन मैथ की पढ़ाई रोके नहीं, क्योंकि एक दिन की प्रैक्टिस छूट जाने से मैथ की पढ़ाई में काफ़ी बुरा साबित हो सकता है। इसलिए रोज़ाना एक ही क्वेश्चन बनाएं, पर हर रोज़ बनाएं, या फिर आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे आपको अपना कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आप मैथ में ज़रूर तेज होंगे। इसलिए रोज़ाना मैथ्स की प्रैक्टिस करें, दोस्तों के साथ मैथ्स सॉल्व करें। मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसे आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके हल करेंगे तो भी वह आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ हमें अकेले नहीं समझ आती, जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर करते हैं तो वह चीज़ें हमें जल्दी याद होती है और जल्दी समझ में आती हैं। इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी मैथ्स सॉल्व करें। हार नहीं माने बच्चों, अगर आप किसी प्रश्न को बनाते हुए अटक जाते हैं, यानी कि किसी प्रश्न को सॉल्व करते हुए बीच में रुक जाते हैं, उस प्रश्न को छोड़े नहीं। कोशिश करें कि ऑनलाइन सोर्स के द्वारा उस प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी यह भी देखा जाता है कि हम वह प्रश्न को छोड़कर आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने लगते हैं और रिवीजन करते वक्त वह प्रश्न छूट जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वह कोशिश करें कि जब भी आप क्वेश्चन को बना रहे हों और किसी भी प्रश्न में अगर कोई दिक्कत हो तो किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति की मदद लें, या कोई शिक्षक की मदद लें, या फिर अगर आप अकेले खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तब आप ऑनलाइन सोर्सेज की भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपको पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। स्टेप वाइज ही क्वेश्चन को बनाएं, यानी कि स्टेप को छोड़े नहीं। अगर आप पहली बार कोई मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो यह कोशिश करें कि अपनी नोटबुक में उस प्रश्न को स्टेट वाइज बनाएं, यानी कि स्टेप वाइज, स्टेट लिखा है, स्टेप वाइज बनाएं, ताकि आप रिवाइज करते टाइम कभी भी उस प्रश्न में अटके नहीं, और नोटबुक में देखें तो वह प्रश्न आपको देखते ही समझ में आ जाए। इसलिए कोशिश करें कि स्टेप वाइज ही क्वेश्चन को बनाएं, टाइम के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हों तो यह कोशिश करें कि सामने में घड़ी लेकर बैठें और आप चेक करें
कि आपको एक प्रश्न बनाने में कितना समय लग रहा है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बनाते समय आपको टाइम मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी टाइम के चक्कर में अधिकतर बच्चों के सवाल अटक जाते हैं या आया हुआ एग्ज़ाम में छूट जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। मैथ्स के क्वेश्चन को साफ साफ लिखें, जब भी मैथ्स के क्वेश्चन स्कोर बनाएं हमेशा साफ सुथरे ढंग से बनाएं, ताकि एग्ज़ाम में आपके कॉपी चेक करने वालों को आपके सॉल्यूशन के साथ साथ आपकी लिखावट भी पसंद आए, क्योंकि कभी कभी बच्चे इतनी गलती करते हैं कि एग्ज़ामिनर भी कॉपी देखकर परेशान हो जाते हैं, इसलिए राइटिंग अच्छी रखें। ज्योमेट्री के क्वेश्चन अच्छे से करें, अधिकतर जब भी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें अधिकतर हम चित्र यानी डायग्राम बनाते हैं, यह सब चैप्टर भी प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कि सॉल्यूशन के साथ साथ डायग्राम भी नीट एंड क्लीन हो। पिछले साल के प्रश्न पत्र सॉल्व करें, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी सॉल्व करने ज़रूरी होते हैं। अगर आपने मैथ्स के सारे क्वेश्चन बुक में बना लिए हैं तो यह कोशिश करें कि पिछले साल के प्रश्न पत्र को ढूंढें और उसे भी सॉल्व करें, और परीक्षा पैटर्न को जानने और उस पर आधार पर मूल्यांकन कर आपको तैयार करें, ताकि आप परीक्षा के दौरान टाइम मैनेज अच्छे ढंग से कर पाएँ और साथ ही साथ आपको परीक्षा के पैटर्न का भी पता हो। मैथ्स में तेज होने के बेनिफिट्स, बींग फास्ट इन मैथ्स इन हिंदी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना हमारी पढ़ाई बिल्कुल अधूरी सी है, और आगे के कुछ अंश पढ़कर आप मैथ के फ़ायदों के बारे में जानेंगे कि ये कैसे हमारे से संबंधित है, और कुछ फ़ायदों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे पढ़कर आप मैथ को और इंटरेस्ट लेने लगेंगे। आपका माइंड पहले की तुलना में ज़्यादा शार्प हो जाएगा, आपकी थिंकिंग काफ़ी मजबूत हो जाएगी, आपको कभी भी मैथ संबंधित विषयों में परेशानी नहीं होगी, आपके दोस्त या फिर आपके जूनियर आपको मैथ्स एक्सपर्ट के नाते जानेंगे, आप सबके चहेते बन जाएंगे, ये सब फ़ायदे हैं मैथ्स के। बच्चों आज हमने मैथ्स के बारे में काफ़ी चीज़ें जानी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप कमेंट भी कर सकते हैं, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।